गाइस, वेलकम बैक टू पूजा भल्लाज किचन। आज मैं आपके लिए एक स्वीट डिश की रेसिपी लाई हूँ जो मैंगो से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है, जिसका नाम है मैंगो फिरनी। सो इसके लिए आज हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने यहाँ पे 1/3 कप राइस लिए, आधा कप से थोड़ा सा कम। इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था कि जिससे सॉफ्ट हो जाए। इसको अभी हम मिक्सर में 2-3 टेबल स्पून पानी के साथ थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। यहाँ मैंने 2 इस साइज के मैंगो लिए थे, इसको मैंने रफली चॉप करके मिक्सी में इसका प्योरे बना लिया है। 6 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शुगर लिया है और थोड़ा सा पिस्ता लिया है, और 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है। सो अभी हम सबसे पहले ये जो हमने राइस ले रखे हैं इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। सो ये देखिए, राइस मैंने यहाँ पे पीस लिया है, इसको इस तरीके से दरदरा पीस लिया, छोटे छोटे पीसीज हो गए हैं इसके। अभी हम अपनी मैंगो फिरनी बनाना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, गैस मेरा अभी हाई पे है, इसमें मैं अभी 1.5 लीटर दूध ऐड करूँगी। ये मेरा हाफ लीटर का मग है, सो ऐसे मैं 3 मग दूध ऐड करूंगी इसमें। से मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध ले लिया है। मैं 2% मिल्क यूज कर रही हूँ, आप इसको फुल क्रीम में भी बना सकते हैं। दूध हमारा हल्का सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। मिल्क हमारा थोड़ा गर्म हो गया है, गैस को भी मैंने मीडियम पे कर दिया है, और ये जो राइस हमने यहाँ पे पीस के रखे थे ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको आप साथ साथ चलाते रहें, अदरवाइज राइस बहुत जल्दी नीचे चिपकने लगता है। और अभी हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में नहीं आ जाता। राइस हमने ऐड कर दिया, इसी के साथ में यहाँ पे ये जो इलायची पाउडर हमने लिया था हाफ ऐड कर दूंगी, हाफ हम जब गार्निशिंग करेंगे तब यूज करेंगे। इसको भी मिक्स कर देंगे, इलायची पाउडर इसके साथ ही पकेगा तो अच्छे से इसमें फ्लेवर देगा। अभी बस इस तरीके से हमने इसको स्टेयर करते रहना है और इसको पकने देना कि जिससे राइस हमारे नीचे चिपके ना। सो ये देखिए, खीर में हमारी बॉयल आना स्टार्ट हो गया, बस हम इसको चलाते रहेंगे। जब इसके राइस कुक हो जाएंगे फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। सो ये देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हमारी फिरनी क्रीमी टेक्सचर पे आ गई है। अभी मैं इस पॉइंट पे इसमें 6 टेबल स्पून शुगर जो है ये ऐड कर दूंगी। ये मैंने पाउडर शुगर लिया है, आप चाहें तो दूसरा शुगर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो शुगर तो हम इसमें ऐड कर चुके हैं, अभी इसको हम 4-5 मिनट और कुक करेंगे, क्योंकि शुगर अपना वाटर रिलीज करती है तो अच्छे से इसमें कुक हो जाना चाहिए। उसके बाद हम फिर इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। सो फिरनी हमारी रेडी हो चुकी है, अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसका ठंडा होने का हम वेट करेंगे जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाती, फिर हम इसमें अपनी मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। अगर हम अभी मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे तो फिरनी बहुत गर्म है, पूरा दूध जो है वो फट जाएगा। सो अभी मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। सो फिरनी हमारी ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, अभी मैं इसको इस बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। फिर हम इसमें अपनी जो मैंगो प्यूरी बनाई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। सो अभी मैं इसमें ये मैंगो प्यूरी जो हमने बनाई है ये ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, और एकदम टेक्सचर भी इसका क्रीमी है। थोड़ा सा और ऐड करूंगी इसमें, थोड़ी सी मैंगो प्यूरी में बचाऊंगी, इसको हम गार्निशिंग में यूज करेंगे। इस पॉइंट पे जो मैंने पिस्ता यहाँ पे लिया था उसको मैंने थोड़ा चॉप कर लिया है, थोड़ा सा मैं 1/2 पिस्ता ऐड कर दूंगी इसमें।
इसको भी मिक्स कर लेंगे। और फिरनी जो है हमेशा एकदम चील्ड सर्व की जाती है, सो इसको मैं अभी 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, तो थोड़ा ये चील्ड हो जाएगी, फिर हम इसको सर्व करेंगे। सो चलिए मिलते हैं 1 घंटे बाद। सो ये लीजिए गाइस, रेडी हमारी चील्ड मैंगो फिरनी। यूजुअली वैसे इसको मिट्टी के बर्तन में सर्व करते हैं कि उसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बट मेरे पास मिट्टी का बर्तन नहीं था तो मैंने नॉर्मल बाउल में इसको सर्व किया है। आप इसको बनाएं, ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, इसको ट्राई करें, फिर मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताएं। इसको मैंने आज गार्निश किया है फ्रेश मैंगो पल एंड सिल्वर वर्क से। सिल्वर वर्क बिल्कुल ऑप्शनल है इसमें, आपके पास हो तो आप लगाएं, अदरवाइज स्किप कर दें। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।